तो अंदर का कुछ ऐसा परिसर है म्यूजियम में, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 वैसे करके कुछ 5, 6 या 7 गैलरी है, तो वन बाई वन आप वहाँ पे देख सकते हैं पूरा। और ये है दोस्तों सौराष्ट्र की शान, छकरा, इसको बोलते हैं छकरा। ये ट्रिविल टेम्पो जैसा है, ये इसको बोलते हैं छकरा, जो कि आपको सौराष्ट्र में बहुत दिखने को मिलेंगे। देखो ये ऐसा मैप है यहाँ का। गैलरी नंबर 4 में ऐसा देखो नेवी का दिखाया गया है, वो देख सकते हैं आप। देखो यहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि हमारे सेना के जवान कैसे एक्सट्रीम कंडीशन में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो ये पूरा हिमालय का है, पूरा जो बर्फीले जगह पे हमारे जवान रहते हैं। और ये है रेगिस्तान का, ये है जंगल झाड़ियों का। यहाँ पे कुछ हमारी सेना की जो बैंड है उसका दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या क्या है। और ये हमारा राष्ट्रध्वज। यहाँ पे देखो ये गेमिंग का ऑप्शन है, ऐसे अभी इसका ओपनिंग नहीं हुआ है, जब ओपनिंग होगा तो इसमें आप गेमिंग वगैरह खेल सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे ट्रायल वगैरह कर सकते हैं एयर वगैरह का। तो अभी यहाँ पे जो ये सरहद गाठा करके यहाँ पे जो म्यूज़ियम बनाया गया है वो हम देख के आए, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। आप भी ज़रूर जाइए, आपको काफ़ी यहाँ पे जानकारियाँ वगैरह मिलेगी। और लास्ट में गैलरी नंबर 6 में आप ओरिजिनल वेपन जो है उसका डेमो पीस रहता है, उसमें उससे आप गेमिंग भी कर सकते हैं, मतलब गोली वगैरह वहाँ से चलते हैं, डिस्प्ले वगैरह दिया हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसका अभी ओपनिंग नहीं हुआ तो वो अभी चालू नहीं है, तो पता नहीं कब ओपनिंग होगा, लेकिन जब ओपनिंग होगा तो आप वो वहाँ पे गेमिंग वगैरह कर सकते हैं गैलरी नंबर 6 में। ये यहाँ पे आप ऐसे राउंड लगा सकते हैं, देखो ये लगा रहे ATV कार जो है उसका 200 रुपये चार्ज है, उसमें आप 2 राउंड लगा सकते हैं। और ये जो वो बगी कार है उसका 300 रुपये चार्ज है, उसमें 2 राउंड लगाएंगे, उसमें आपको दिखा के। तो यहाँ पे दोस्तों ये एडवेंचर एक्टिविटी के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे ये सैटरडे संडे को सुबह 9 से रात के 8 बजे तक रहेगा, और दूसरे दिनों में बाकी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक रहेगा। तो ऐसा है इसका टाइमिंग वगैरह, और प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है, तो आप देख लीजिए। और यहाँ ऐसा कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ है यहाँ पर सारी। जिप लाइन हो गया और ये सब है देखो, तो बच्चों के साथ हो तो आपको यहाँ पे मज़ा आएगा, और बच्चे का टाइम पास भी हो जाएगा बच्चों का। इसके लिए कितनी फीस है वो अभी हम पूछ रहे थे यहाँ पे, ऐसा कुछ चिकन का चार्जेस है देखिए ऊपर पे लाइन ऊपर जो जाएगी जीप साइकिल पर जीप लाइन हम लेगा। रॉकेट इंजेक्टर का है ये, और ये शूटिंग का है। ये एक्चुअली यहाँ पे अभी ये ओपनिंग इसका नहीं हुआ है, तो अभी यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा दिखने को नहीं मिलेगा, और कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। बाकी ये राइफल शूटिंग का 200 रुपये चार्ज है, उसमें आप 10 राउंड है, और 150 जो है उसमें आप 5 राउंड है जो कि क्रॉस बो, मतलब ये एरो वाला है। देखो ऐसा है ये जीप लाइन जिस पे ये साइकिलिंग होगा, तो ये आप कर सकते हैं। जिसके चार्जेस मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए हैं, अगर आप करना चाहो तो ये भी कर सकते हो।
देखिए ये MiG-27 विमान है जो यहाँ पे दिखाया गया है, आपको अंदर जाके भी दिखाते हैं। पहले ये देख लीजिए MiG-27 का क्या डिटेल्स है। MiG-27 को 1985 में भारतीय वायुसेना में समावेश किया गया था। तो ये है दोस्तों MiG-27 फाइटर प्लेन, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। देखो पायलट की जगह भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो वहाँ पे पायलट की जगह है, ये बहुत छोटी लग रही है मेरे को पायलट की जगह। ओरिजिनल है कि नहीं पता नहीं, शायद तो ओरिजिनल ही लग रहा है, लेकिन पायलट की जगह बहुत छोटी लग रही है। कुछ इस तरह का होता है लेकिन MiG-27 फाइटर प्लेन। तो यहाँ पे पूरे ये सोलार पैनल वाले सोलार ट्रीज लगे हुए हैं। यहाँ पे ये सोवेनियर शॉप भी है, अगर आपको आप कुछ खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। देखिए ये आर्मी का बैग और आर्मी वाले क्लोथ वगैरह मिलेंगे आपको यहाँ पे, देख सकते हैं। आपको खाने की और स्नैक्स की पूरी व्यवस्था है, ये पूरा यहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ है। और ये आप रेट वगैरह देख सकते हो उसके, कोल्ड ड्रिंक्स के, चाय वगैरह, चाय रेगुलर की 25 की है और बाकी सब खाने की व्यवस्था है। देखिए आपको बर्गर से लेके मस्का बन सब मिलेगा। और ये जो फूड कोर्ट है वो मंडे को क्लोज रहेगा, बाकी सब चालू है लेकिन फूड कोर्ट मंडे को क्लोज रहता है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं ऐसी, अगर आप ये चाय लेंगे तो ये चाय आपको 10 रुपये की पड़ेगी, बाकी अगर आप रेगुलर कप वाली चाय लेते हो तो वो 25 रुपये की है। ये अगर आप सैंडविच वगैरह मैगी वगैरह खाना चाहो तो ये है प्राइस उसका। और ये यहाँ पे ये ऑनेस्ट की रेस्टोरेंट भी है, तो आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये है दोस्तों ये यहाँ का फेमस नरेश्वरी माता जी मंदिर, जहाँ पे रहने का और खाने वगैरह का भी व्यवस्था है, तो भी देखते हैं वहाँ जाके एक बार। ये है टेंपल, ये देखिए ये नरेश्वरी माता जी मंदिर की तरफ से जो धर्मशाला है उसका ऐसा है, जो सादा रूम है उसका 200 रुपये है और उसमें एक रूम आएगा 4 पथारी और 12 कलाक के लिए रहेगा। बाकी VIP वगैरह का भी चार्ज आप देख सकते हैं 300 रुपये है। ये स्तंभ जो है वो कबूतर के लिए बनाया गया था, आगे भी दो है द्वार के पास भी। तो मंदिर की जो धर्मशाला है वहाँ पे अगर आपको रहना है और आपको आगे से बुकिंग करवाना है तो देखिए ये कार्ड है और इस पे दिए गए नंबर पे आप आगे से बुकिंग कर सकते हैं, तो आपको क्या कंफर्म रूम मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ आने के बाद शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे रूम का अवेलेबल ना हो, और क्योंकि आज ऐसा ही है हमारा, हम अभी यहाँ पे आए लेट आए लेकिन यहाँ पे कोई रूम है नहीं अवेलेबल, सब रूम पैक है। तो ये नया मंदिर है और ये यहाँ पे शायद से पुराना मंदिर है। तो ये पुराना मंदिर जो था वो ये है शायद से। तो यहाँ पे आप एक ये भी बंद है, ये हमारी गुजराती लैंग्वेज में इसको पीलू कहते हैं हम।
आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं बता देना कमेंट करके। तो जो यहाँ पे जो सर 200 वाले जो रूम है उसका काम चालू है अभी, तो ये शायद से एक आध महीने में हो जाएगा पूरा काम, तो तब आपको ये मिल पाएगा। तो अभी हम देखते हैं 300 वाला रूम। तो जो रूम की व्यवस्था है वो यहाँ पे है दोस्तों। जो वीआईपी रूम है जिसकी का 300 रुपये किराया है, तो ये यहाँ पे है। ऐसा 34 रूम है दोस्तों, 34। और ये अंकल है जो ऑफिस पे बैठते हैं। पहला कार्ड में नंबर क्या है? कार्ड में नंबर हमारा है ये ऑफिस ने। हम नहीं कार्ड में नंबर नहीं है। अच्छा, એટલે આ નંબર પાસે અલગ જ બસ હા અલગ છે। હા, તમારા ઓફિસ માં કદાચ તમે મળાવેલા ભાઈ પાસે આયા હો તો આ ગમે તે છોકરો તમે આઈને તો સંપર્ક કરો આ નંબર ઉપર નીચે તમને મળી જાય। તો જો વીઆઈપી રૂમ હે તો એસા હે ઉસકા અરેન્જમેન્ટ એ કમરા વાળો યે હે इस पे चार लोग आराम से रह सकते हैं। तीन चार लोग और ये ऊपर सोलर वगैरह है। एक चेंजिंग रूम भी है और स्पेस भी अच्छा है। तो आप अगर यहाँ पे आओ तो यहाँ पे एडवांस में बुकिंग कर सकते हो, जो मैंने कार्ड दिया उस पर बुकिंग करके आप यहाँ पे रह सकते हो। अगर आप ज़्यादा लोग हो और कोई मंडल वंडल में आए हो, पूरी बस वगैरह हो, तो ये एक बड़ा हॉल भी है, वो भी आप बुक कर सकते हैं। ऐसा कुछ हॉल है, देखो ये भी आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मंदिर की तरफ से भोजनालय की व्यवस्था है, जहाँ पे आपको प्रसाद मिलता है। तो बहुत बड़ा ये भी हॉल है और यहाँ पे सब प्रसाद की व्यवस्था है। तो आप यहाँ पे दोपहर को और रात को दोनों टाइम यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है मंदिर की तरफ से, और फ्री में ये, तो वो आप यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं। तो नरेश्वरी माता जी का जो मंदिर था वहाँ पे रूम तो सारे पैक थे, तो अभी हम वापस रिटर्न जा रहे हैं। और अगर आगे होटल में कहीं पे मिलता है तो देखते हैं, तो फिर कल सुबह आएंगे यहाँ देखने के लिए, वरना वापस रिटर्न चले जाएंगे। तो जो भी है वो आपका वेट करेंगे।